मुझे तेरी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हाथों की तेरे वाली ना, तूने घर जाके बाप को बता दिया। हर बात घर जाके बताना जरूरी नहीं है। ओहो, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था ना। ऐसे ही कह दिया था कि वैसे ही कह दिया था हैं? तू खुद सोच कि इतनी बड़ी रकम आजकल के दौर में कोई किसी को देता है भला? मैंने तो ऐवे तेरे साथ बात कर दी और तूने जाके बाप को बता दी। देखती रानी, तूने नू बन के इस घर में आना है तो इस बात का खास तौर पे ख्याल रखना पड़ेगा तुझे कि इधर की बात उधर ना जाए। समझी है ना? जी, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। मदद शहर में क्या कर रहे? वो काम से आया हूँ शहर, पर मुझे क्या पता था कि आज मेरा बड़ा खुशनसीब दिन है कि बाऊ तालब साहब आज मुझे मिल जाएंगे। वाह जी वाह, शहर आके तो पूरा बाऊ बन गया तू है। ये कौन है? बाप मेरी क्लास फेलो है, जमात में पढ़ती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं जी इनका पनूजा हूँ, पनोई मियां अहमद। ओ बाबू तालब, अम्मा ने 1,00,000 रुपया मुझे दे दिया था, पर मुझे क्या पता थी कि शहर में महंगाई ने मत मारी हुई है। 1,00,000 रुपया भी कम पड़ रहा सामान के लिए। अब समझ में नहीं आ रहा करूँ तो क्या करूँ। हाँ तो पाक, कोई गल नहीं, अम्मा से और ले लेता। मतलब मैं जाके अम्मा से ले लूँ? हाँ हाँ ले लो, तेरे ही तो है। अच्छा फिर छेके रख, रब रखा जी रब रखा। अलिया मेरी बात तो सुनो। अम्मा ने 1,00,000 रुपया मुझे दे दिया था, पर मुझे क्या पता थी कि शहर में महंगाई ने मत मारी हुई है। 1,00,000 रुपया भी कम पड़ रहा सामान के लिए। अब समझ में नहीं आ रहा करूँ तो क्या करूँ। हाँ तो पाक, कोई गल नहीं, अम्मा से और ले लेता। मतलब मैं जाके अम्मा से ले लूँ? हाँ हाँ ले लो, तेरे ही तो है। बोलो क्या हुआ, ठीक तो? हाँ ठीक हूँ, बस सर में थोड़ा सा दर्द था। अच्छा खाना खाया? नहीं, दिल नहीं चाह रहा था। थोड़ा सा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तुम बताओ तुमने क्यों फोन किया? नहीं मम्मा, से तुम चली गई थी तो मैं परेशान हो गया था, मैंने सोचा फोन करके पूछता हूँ। हाँ बस सर में दर्द था, सोना चाह रही थी। ठीक है तुम आराम करो, तबीयत ठीक होती है तो फिर बात करते हैं। और हाँ वो खाना खा लेना और दवाई भी ले लेना। ले लूंगी। ओके अल्लाह हाफिज़। आप बात को समझे ना,
ये मामला इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। इससे पहले कि पानी सर से गुजर जाए, आप आपा से बात करें, उन्हें एहसास दिलाएं कि तालिब के यूनिवर्सिटी जाने का मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ जो जी में आए करता फिरे। हमें ये बात बर्दाश्त नहीं है। बेटी का बाप होकर रोज रोज मैं वहाँ जाके कचहरियाँ लगाऊँ, अच्छा लगेगा? हाँ तो ती दे रहे हैं, बदले में उनके पुत्र के बारे पूछे भी ना कि वो क्या करता फिर रहे शहर में या अखा बंद करके पड़े रहे। कल को कोई लड़की ले आया तो तब हमें होश आएगी। इस बार मैं आपके साथ चलूंगी, देखूंगी क्या कहती है अप्पा। अच्छा भाई साथ चलना, तू मैं अजीजा से बात करूंगा। जा इस वक्त चाह पिला दे मुझे, तेरी मेहरबानी, सिर च पीड़ हो गई। हर वेले चाह चाह ते चाह। मैं तेरा क्या मतलब है, उसको 1,00,000 रुपए दे के मैं और पैसे दूं? अरे अम्मा पैसे देना तो पड़ेंगे, मैंने उससे वादा कर लिया है। वादा तूने किया है ना, तो तू ही पैसे भेज उसे। मैंने कोई ठेका नहीं लिया हुआ ना, पिंड के आगे कट रोले जो मैं ये रोले ना बैठती फिरूं। ओए अम्मा समझा कर, वो आलिया के सामने शुरू हो गया था वहाँ पे, क्या कहता मैं उसे, उल्टा आलिया मुझसे नाराज हो। वे टट्ठे खूह में जाए तू और तेरी आलिया, मैं एक पैसा नहीं देना, समझ आ रही है ना तुझे? हाथ होगी तेरे वाली, पागल समझ लिए तूने अपनी माँ को, नोटों की मशीन लगाई हुई मैंने। ओए अम्मा गल तो सुन, किस अजाब में पड़ गया मैं। होए, कुछ भी कह ले, बड़ी पहुंची हुई चीज है तेरा परा। शहर गया पढ़ने के लिए, वहाँ लड़कियों के साथ दोस्तियां कर रखी हैं, गड्डियों में घूम फिर रहा है। बात सुन, वो बस एक ही लड़की है, साथ पढ़ते हैं दोनों, थोड़ा सा घूम फिर क्या लिया, क्यामत तो नहीं आ गई? वो तो पढ़ाई करे ना, वो करे जो करने गया है। और गल सुन मेरी, अगर मैं पिंड में किसी कुड़ी के साथ घूमू फिरूं तो क्या होगा, सोचा तूने? एक मिनट में इज्जत खाक में मिल जाएगी, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे हम। कैसी बातें करता है तू, तेरे शक करने की आदत कदी नहीं जा सकती। तो पता नहीं कौन सा वेला था जब रब ने तुझे मेरे मत्थे लगाया था, ए वेले मेरे हाथ जुड़े, तेरे को नहीं जीत सकती मैं। कोई भी हसन करने के लिए तो पैसों की जरूरत पड़ती है ना, तो आपको तो मेरे हालातों का पता है परजाई, जमीन के रौले और फिर तालब पुत्र की फीस बड़े औखे सौखे होके जमा करवाई है मैंने, कहां से आएंगे इतने पैसे? अजीजा ना, ऐ हुनी तो तालिब ने पैसे भेजे ना। तो वीर जी वो पैसे रस्मों के लिए तो नहीं ना भेजे थे मेरे पुत्र ने, और फिर आपने जो रकम दी थी ना वो तो कब की लग लगा गई, 1 रुपया नहीं बचा उसमें से। वालेकुम सलाम आ भाई। एक रोला मुका नहीं तो तू जा खलोता। अम्मा जी वो तालाब ने कहा था कि आपसे पैसे ले लूं, वो ही लेने आया था। ना कौन से पैसे हैं, कहां से आए पैसे, चल जाए दफा, शक्ल गुम कर अपनी। वो तालाब ने कहा था कि आपसे मजीद पैसे ले लूं। और मेरी बात सुन ना, मैंने पैसे दरख्तों के साथ लगाए हुए हैं, जब तू मुंह उठा के आ जाए और मैं तोड़ के तुझे दे दूं। बल्ले भी बल्ले। अम्मा जी बल्ले भाई बल्ले हैं, आपने तो नहीं उगाए, पर वो तालब तो मजे कर रहे ना शहर में उस अमीर लड़की के साथ। बकवास बंद कर, मजे भी कर रहा था। आए हाय, जो मुंह में आता ना तेरे वही बक देता है। अम्मा जी मेरा मुंह ना खुलवाओ, उस लड़की के साथ घूम फिर रहा था, मुझे बाजार में मिला था, बहुत अमीर लड़की है जी, बहुत अमीर लड़की। अच्छा चुप कर, जो मुंह में आता है बक देता है, चल जा दफा यहाँ से। वो तुझे पैसे चाहिए ना, मिल जाएंगे पैसे भी। ओ एक मिनट अम्मा जी एक मिनट, हौले हो जाओ। देखो मामू जी मामानी जी, जो सच था वो बता रहा हूँ, आगे आप लोगों की मर्जी है। आखिर अम्मा ने अपने मुंडे को शहर पढ़ने के लिए भेजा है, इसको भी तो खबर होनी चाहिए ना कि मुंडा वहाँ क्या करता फिर रहा है, अमीर अमीर लड़कियों के साथ घूम फिर रहा है, मजे कर रहा है। देख मेरी बात सुन, अगर तूने एक लफ्ज भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आज के बाद मेरे पुत्र पे इल्जाम ना लगाना, चल जा।
मैं कह रही चल जा दफा हो यहाँ से हैं। चलो फिर हैं तो आई फिर। अच्छा चल पैसे मिल जाएंगे तुझे नलायक ना हो तो। पागल जी है मुंडा है हैं? जब पैसे मांगने होते झूठी सच्ची बकवास करता रहता है। आपको तो पता है ना पाजी। ये हाशिम आजकल किन चक्करों में? कैसा चक्कर? और आपसे किसने कहा? अब्बा ने उसे खुद किसी लड़की के साथ देखा और वो कोई शरीफ लड़की नहीं थी। जाहिर है बेबी के रिश्ते से इनकार का कोई वैलिड रीजन तो था नहीं आपके अब्बा के पास, लेकिन उन्होंने मेरे मासूम भाई पे इल्जाम लगा दिया। अरे भाई मैंने अपनी आंखों से उसे देखा। आपने देखा? तुम्हारा कहने का क्या मतलब? क्या अब्बा झूठ बोल रहे? ये तो आप अपने अब्बा से ही पूछें। हाँ मैंने नवाज साहब से कहा है कि वो तालिब के खानदान के बारे में अच्छी तरह पता करके मुझे बताए, दो एक दिन में बताएगा। हाँ बहुत जरूरी है, शादी से पहले सब कुछ मालूम हो जाए तो अच्छा है। बेबी बेटा आपको क्या हुआ है, खैरियत? जी सब ठीक है। नहीं बेटा तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वो ऐसा कुछ नहीं है, बस सर में दर्द हो रहा था, मेडिसिन अभी ली है तो ठीक हो जाएगा। तो जाओ चंदा, तुम जाके आराम करो। मेरे मना करने के बावजूद तुमने उन फजूल लड़कियों के साथ अब तक दोस्ती रखी हुई है। अरे तो क्या मैं अपने दोस्तों से भी नहीं मिल सकता? कम ऑन हाशिम, दोस्ती का भी कोई स्टैंडर्ड होता है। तुमने तो ऐसी लड़कियों के साथ दोस्ती की हुई है जिनके बराबर से गुजरते हुए भी इंसान को 10 बार सोचना पड़ता है। हाँ अंकल आफाक को बहुत पता है कौन सी लड़की कहाँ की है और कैसी है। शट अप हाशिम, तुम्हारी वजह से आसिम ने मेरी इतनी इंसल्ट की है। मैंने तुम्हारे अकाउंट में अमाउंट इन फजूल लड़कियों पे उड़ाने के लिए ट्रांसफर नहीं किया है। अगर आपने ऐसे ही पैसे भेजकर मुझे जिताना होता है ना भेजा करे पैसे, मत किया करे मुझ पे एहसान। हेलो कहाँ खोई हुई हो? कहीं नहीं, यहीं हूँ। यहाँ तो नहीं हूँ। एक बात पूछो, सच बताओगे? हाँ पूछो। उस दिन तुम्हारे बहनों ने किन पैसों की बात करी थी? तुमने उनको 2 लाख देने थे? ओह अच्छा, तुम इस वजह से परेशान हो? देखो आलिया हमें उनकी फजूल खर्चों का पता है, इसलिए हमने 1 लाख रुपए दिए थे, बाकी पैसे थोड़े थोड़े करके देना है। वो उन्हीं पैसों के बारे में पूछ रहे थे। अच्छा तुम्हें क्या लगा आधे पैसे मैंने झूठ बोल के लिए? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं मुझे तो ऐसे ही लग रहा कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, इसलिए तुम्हारा रवैया जी में मेरे साथ। I'm sorry, तालिब, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें ट्रस्ट करती हूँ, मैंने इसलिए तुम्हें पैसे दिए थे। चलो कोई बात नहीं, आओ कैंटीन चलते हैं कुछ खाते हैं। तुम इतना नाराज नहीं? लेकिन प्लीज आइंदा मुझे गलत मत समझ, ठीक है? चलो यार हाशिम, क्या तू फजूल में इधर उधर पैसे जाया करता रहता है? मेरी मान मेरे साथ आ जा, बहुत पैसे हैं इस काम में, पैसा ही पैसा।
और आज तक कभी नुकसान नहीं हुआ। देख भाई, तू बहुत बड़ी दो नंबरी का काम करे, अगर पकड़ा गया ना तो सीधा अंदर। मैं ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। उसामा आज तक कह नहीं पता, जो काम भी करता है ना बिल्कुल पक्का करता है। यकीन मान, अगर तू मेरे साथ मिलके पार्टनरशिप कर लेना तो मिलके कमाएंगे और मिलके उड़ाएंगे। चल इस बारे में भी सोचते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसे हालात नहीं कि कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकूं। खैर छोड़ इन बातों को, बता वो बिलाल कहाँ पे है, कोई कांटेक्ट है तेरा? कहाँ घूमे भी वो बिलाल? उसने तो बहुत तरक्की कर ली भाई, आजकल इंग्लैंड में होता है और एक गोरी के साथ शादी भी कर लिया, फुल मजे में है। अरे वाह भाई, बड़ा तेज निकला है वो तो। ऐसा ही है भाई। और सुना, क्या मंगाऊं, कॉफी या चाय? कॉफी कर ले। ओके। आलम भाई और अब्बा जी तो हमेशा मेरी ही बेइज्जती करते हैं। कोई इज्जत नहीं है मेरी इस घर में और ना इस खानदान में। जितनी बेइज्जती आपकी होती है ना उस घर में, उससे ज्यादा किसी की नहीं होती। कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं सौतेला हूँ, किसी भी बारे में मुझसे कोई मशवरा ही नहीं किया जाता। ऐसा लगता है कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपको ऐसा लगता है, और मुझे पूरा यकीन है, कोई भी काम करने से पहले आलम भाई से 10 बार इजाजत लेनी पड़ती है, और फिर उसके 10 रीजन भी देने पड़ते, और उन्होंने कैसे मुंह उठा के अपनी बहन को 2 लाख रुपए दे दिए। इसी बात पर तो मेरा उनसे झगड़ा हुआ था। मैंने उनसे यही कहा कि उनको पूछना चाहिए था पैसे देने से पहले, बगैर पूछे सिर्फ बेबी के कहने पे पैसे भिजवा दिए। आसुन, एक बात कहूं आपसे? हाँ कहो। मुझे लगता है आपको ना अब जायदाद में हिस्सा मांग लेना चाहिए। हिस्सा? कौन सा हिस्सा? अब्बा की जायदाद में हिस्सा। अब देखें ना, आलम भाई के पास भी तो अपना बिजनेस है, जब आपके पास अपनी जायदाद होगी तो आप भी कोई बिजनेस कर लेंगे। कब तक इनके टुकड़ों पे इस तरह पलते रहेंगे? लेकिन अब्बा के होते हुए मैं हिस्सा कैसे मांग सकता? तो क्या हुआ, जो चीज आपको बाद में भी मिलनी है वो अभी क्यों ना मिल जाए, जब हमें उसकी ज्यादा जरूरत है। हाँ, बात तो तुम ठीक कर रही। शेख साहब, रिपोर्ट कुछ अच्छी नहीं है। वो जो लड़के की माँ है उसका नाम अजीजा है, और वो अपने गांव में नहायत ही लड़ाका और लालची मशहूर है। पर अम्मा, एक बारी मेरी बात तो सुन। तेरी मैंने सुन ली है, अब तो सिर्फ मेरी सुन। किस जुम्मे तेरी मंगनी मैं अस्मा के साथ कर रही हूँ? क्या तुम अपने वालदैन को फैसले का हक देती? फैसले का हक तो आपको कल भी था और आज भी है अब्बा। मैं तो बस आपको अपनी खुशी बता रही थी, जो सिर्फ तालिब के साथ मुमकिन है। ए जिंदगी, तुझे क्या कहूं? ए जिंदगी, तुझे क्या कहूं? दिन के चेहरे पर बरस पड़ती है काजल की तरह, चांद तारों से सजा तुझे क्या कहूं।